जो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, ये टॉपिक हम लोग कर रहे थे, कॉनिकॉइड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये समझे आप कि कॉनिकॉइड जो होता है आपका, जो स्टैंडर्ड कॉनिकॉइड होता है आपको पता होगा, सेंट्रल कॉनिकॉइड, ठीक है, जो ये फॉर्मूला होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे? टेंजेंट लाइन पढ़ चुके थे इसकी रिगार्डिंग में, ये सारा क्लियर हो चुका था हम लोग का, और टेंजेंट प्लेन भी क्लियर हो चुका था। अब हम लोग जो है यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी करें देखेंगे, ठीक है। इफ द प्लेन, एक प्लेन ले लेते हैं हम लोग, जो क्या होगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू क्या आपका पी है, ठीक है। उसके बाद दस द पैराबोलाइट टचेज द पैराबोलाइट टचेज द पैराबोलाइट पैराबोलाइट आपका क्या दिया हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू टू सी जेड, ठीक है, टू सी जेड। देन द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, देन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जो कंडीशन होगा टेंजेंसी का वो जो होगा क्या होगा आपका एल स्क्वायर बाई ए प्लस क्या होगा एम स्क्वायर बाई बी प्लस क्या होगा टू एन पी बाई क्या होगा सी इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। एंड जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होगा वो जहाँ पे टच करेगा वो क्या होगा बताएं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा आपका माइनस एल सी बाई क्या होगा ए एन, और ये आपका क्या होगा माइनस माइनस एम सी बाई क्या होगा बी एन, और आपका माइनस क्या होगा आपका पी बाई एन, ये आपका आ जाएगा। तो ये है आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। आपका एक पैरेललोग्राम आपका प्लेन का एक प्लेन है आपका, ठीक है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ये आपका ये पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, टचेज द पैराबोला, ये पैराबोलाइट है आपका जो टच करता है, जो टच करेगा ये उसकी कंडीशन होता है टेंजेंसी का, ये कंडीशन होता है, और ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे वो टच करता है ये उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। द लोवेस्ट ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स इज कॉल्ड डायमेट्रल प्लेन, उसको लोग क्या कहेंगे डायमेट्रल प्लेन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पैरेलल कॉर्ड ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से जो हम लोग के पास जो होगा वो देखें क्या होगा, ये अगर कोई आपका पैरेलल कॉर्ड है जो है एक्स बाई एल इक्वल टू वाई बाई क्या आपका एन, वाई बाई एन और जेड बाई क्या आपका एन है, ठीक है, ये अगर आपका पैरेलल कॉर्ड दिया हुआ है एक्स बाई एल इक्वल टू वाई बाई एल इक्वल टू जेड बाई एन दिया हुआ है, तो यहाँ से जो इसका डायमेट्रल प्लेन होगा आप देखें क्या होगा, इसकी जो डायमेट्रल प्लेन होगा वो क्या होगा आपका ए इंटू एल एक्स, ए इंटू एल एक्स होगा प्लस क्या होगा बी एम इन बी इंटू एम वाई माइनस क्या होगा सी एल इक्वल टू क्या होगा सी, ये आपका डायमेट्रल प्लेन। अब यहाँ पे नॉर्मल देखिए आप, ठीक है, नॉर्मल क्या होते हैं इसको भी समझ लें आप, नॉर्मल क्या होगा आपका। सो सबसे पहले क्या होगा आपका द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, पॉइंट क्या आपका अल्फा है बीटा है और क्या है गामा है, ठीक है, ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ द पैराबोलाइट ए एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, जो इक्वेशन दिया हुआ आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू टू सी जेड, ठीक है, टू सी जेड इज, ये क्या होगा आपका एक्स माइनस अल्फा बाई ए इंटू अल्फा,
equal to y minus beta by b beta, ठीक है, b beta. नेक्स्ट जो है आपका z के माइनस z माइनस गामा बाय क्या होगा आपका माइनस c, ये आपका आ जाएगा इसका. नेक्स्ट जो है प्लेन सेक्शन, नेक्स्ट आपका जो है प्लेन सेक्शन, प्लेन सेक्शन ऑफ सेंट्रल कॉनकॉइड, प्लेन सेक्शन ऑफ सेंट्रल कॉनकॉइड. इसका प्लेन सेक्शन क्या होगा आप देखें यहाँ पे, सपोज यहाँ पे हम लोग के पास जो है इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जो प्लेन सेक्शन क्या होगा आपका देखें, ये जो है मान लेते हैं द सेक्शंस, यहाँ लिखते हैं आप द सेक्शंस ऑफ कॉनिक, द सेक्शन ऑफ कॉनिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा सी जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा वन, ठीक है, सी जेड स्क्वायर इक्वल टू वन बाय द प्लेन, बाय द प्लेन, प्लेन क्या है आपका एन एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू क्या है आपका पी, ठीक है, ये आपका प्लेन है. विल बी पैराबोला, या तो क्या होगी विल बी पैराबोला, हाइपरबोला और क्या इलिप्स, ये जो है ये आपका हो सकता है. ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग एज, अकॉर्डिंग एज बी सी एल स्क्वायर, बी सी, बी सी एल स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर, ए बी बी सी सी ए और आपका क्या होगा ए बी एल स्क्वायर, ए बी एन का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए बी एल स्क्वायर इक्वल टू या तो आपका क्या होगा जीरो होगा, बी सी एल स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर प्लस क्या होगा ए बी एल स्क्वायर का भी जीरो हो जाए तो ये आपका क्या होगा पैराबोला. नेक्स्ट अगर बी सी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर प्लस ए बी एल स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो क्या होगा आपका हाइपरबोला. नेक्स्ट जो है आपका बी सी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर प्लस ए बी एल स्क्वायर इन देश तरीके क्या होगा जीरो हो जाए तो ये क्या होगा आपका एलिप्स हो जाएगा. ठीक है, कॉइड देखेंगे सबसे पहले सेक्शन का दो तरह का आएगा, प्लेन सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन आएगा आपका. जनरली हम लोग सेंट्रल कॉनकॉइड में प्लेन सेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सर्कुलर सेक्शन कहाँ पे मिलेगा आपको एलिप्स में मिलेगा, हाइपरबोलाइड और पैराबोलाइड में मिलेगा आपको. यहाँ से देखें आप लेंथ एंड डायरेक्शन रेशियो of the axis of central plane section by the central conicoid. इसमें क्या आपका the length of r of the length of gamma लिखे gamma of semi axis, इसका length of gamma क्या है, length of semi axis क्या आपका gamma है आपका, section of the conicoid, conicoid ये आपका, ये आपका central conicoid है आपका. और ये जो value आपका होगा क्या होगा इसका plane का आप देखेंगे, plane का equation क्या आपका देखें यहाँ पे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, पी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इस इक्वेशन से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं लेंथ. अब यहाँ से हम लोग एरिया ऑफ प्लेन सेक्शन से समझते हैं, एरिया ऑफ प्लेन सेक्शन मान समझ लें यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेन सेक्शन किसका होगा आप देखें, एरिया ऑफ प्लेन सेक्शन, एरिया ऑफ प्लेन सेक्शन, एरिया ऑफ प्लेन सेक्शन बाय प्लेन सेक्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका बी वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा सी जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ वन दिया हुआ, ठीक है, बाय द प्लेन, ये जो आपका प्लेन है बाय द प्लेन, ये प्लेन क्या आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू क्या आपका पी दिया हुआ, ठीक है, एन जेड इक्वल टू पी दिया हुआ है. यहाँ से जो इसका एरिया निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा आप देखिए, इसका जो एरिया निकलेगा आपका वो एरिया क्या आ जाएगा इसमें पाई बाई एरिया इक्वल टू पाई रूट अंडर क्या होगा आपका एल स्क्वायर प्लस क्या होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका जो वैल्यू उधर लिखे हुए थे हम लोग वो पैराबोला जिसको डिसाइड करते थे बी सी एल स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका ए सी एम स्क्वायर प्लस ए बी क्या होगा आपका एन का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा. या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे पाई पाई पी रूट अंडर क्या होगा आपका ए बी सी, इससे हम लोग उसको एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एंड द एरिया ऑफ प्लेन सेक्शन, यहाँ पे तो आपका केवल प्लेन सेक्शन, ठीक है, एंड द एरिया ऑफ, एंड द एरिया ऑफ द प्लेन सेक्शन, एंड द एरिया ऑफ प्लेन सेक्शन, जो इसका एरिया होगा प्लेन सेक्शन का वो क्या हो जाएगा आपका देखिए प्लेन सेक्शन ऑफ एलिप्सॉइड, ऑफ एलिप्सॉइड,
एलिप्सॉइड मतलब यहाँ पे अगर इसका ऐसा हो तो इसका एलिप्सॉइड का क्या होगा, इसका एरिया आप यहाँ पे देखिए जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वन दिया हुआ है। तो इसका जो एरिया निकलेगा आपका एरिया बाय द प्लेन, प्लेन भी आपका दिया हुआ आपका बाय द प्लेन, प्लेन क्या है आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका प्लेन दिया हुआ है। अब इसका जो एरिया क्या होगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका पाई इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो आपका लिखे हुए हैं आप क्या लिखे हैं ए स्क्वायर एल स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा आपका एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर एल स्क्वायर का सी स्क्वायर एन स्क्वायर का होल मतलब होल टू द पावर वन बाई टू। और इसको अगर तोड़ेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा पाई ए बी सी डिवाइडेड बाई पी। पी क्या है यहाँ पे पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। पी जो है आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, इस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं उसका हम लोग एरिया को निकाल सकते हैं। पहला हम लोग सेंट्रल कोनोपॉइड का निकाल सकते हैं, ये आपका जो है एक आपका ये एलिप्सॉइड का दिया हुआ है एरिया निकालने का, ये आपको हम दिए हैं सेंट्रल कोनोपॉइड का, ठीक है। ये आपका सेंट्रल कोनोपॉइड का एरिया निकालने का है आपका। जब प्लेन क्या टच करता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड जब टच करता है तो वो उसके लिए आपका। अब हम लोग यहाँ से एक्सिस ऑफ एनी सेक्शन, एक्सिस ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सेंट्रल कोनोकॉइड, ऑफ सेंट्रल कोनोकॉइड, ठीक है। अब इसका क्या होगा देखिए आप, सेंट्रल कोनोकॉइड क्या एल स्क्वायर बाई प्लस एन स्क्वायर बाई पी प्लस एन स्क्वायर बाई ओके। तो ये आपका सारा जो है टॉपिक ये आपका सर्कुलर सर्कुलर सेक्शन का आपका है। अब प्लेन सेक्शन का सारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो चुका है आपके एलिप्सॉइड का। तो आप देखें इसका सर्कुलर सेक्शन का जो होगा आप सर्कुलर सेक्शन ऑफ एलिप्सॉइड क्या होता है आप उसको देख लें। ये क्या होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स बाई ए होगा, अब प्लस क्या होगा आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय जेड बाई सी होगा। अब देखिए दोनों में क्या है आपका एक प्लस एक माइनस है, अब दोनों में कोई बड़ा चीज नहीं है, आप यहाँ पे समझ लें यहाँ पे क्या दिया प्लस दिया हुआ है तो इसका यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया आपका माइनस आ गया आपका। तो दूसरा निकल गया ये आपका, ये आपको ये जो है आपका क्या है एलिप्सॉइड का इक्वेशन है, तो ये एलिप्सॉइड का क्या निकल गया आपका सर्कुलर सेक्शन निकल गया। फिर अब हम लोग क्या करेंगे हाइपरबोलाइड का हम लोग सीखेंगे। तो हाइपरबोलाइड का आपका ये इक्वेशन होता है, ये हाइपरबोलाइड का आपका इक्वेशन है आपका, और ये उसका देखिए यहाँ पे, यहाँ पे इसका जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है इसका आपका सर्कुलर सेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो सर्कुलर सेक्शन क्या होगा यहाँ पे देखिए इसका ये लिख दिया, इसका सर्कुलर सेक्शन क्या होगा आपका एक बार यहाँ प्लस होगा एक बार क्या होगा आपका माइनस होगा। देखें यहाँ पे वही चीज आपका लिखा होगा आपका, एक बार प्लस है आपका क्या है एक बार माइनस है, दोनों को आप कंपेयर कर सकते सब एक ही चीज आपका आया हुआ है, ठीक है। जो चीज आपका उस पार्ट में आया था वही पार्ट आपका आ जाता है, ठीक है। जो आपका आप नेक्स्ट देखिए सर्कुलर सेक्शन ऑफ पैराबोलाइड, तो इसमें क्या होगा आपका ये आपका पैराबोलाइड आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका जो होगा क्या होगा एक्स इंटू रूट अंडर ए माइनस बी प्लस जेड इंटू रूट अंडर बी, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आपका क्या आ गया आपका माइनस आ गया। तो आराम से इसको आप याद रखेंगे इस इक्वेशन को कि कैसे सर्कुलर सेक्शन को ओके। तो हम लोग यहाँ पे जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलाइड्स कैसे सीखेंगे वन सीट का, कि जनरेटिंग लाइंस का क्या इक्वेशन होता है। तो आप यहाँ पे देखिए द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलाइड, ये तो आपका वन सीट का इक्वेशन का ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है आपका। इस जेनेटिक लाइंस गिवन बाय, इसका जो जेनेटिंग लाइन होगा क्या होगा देखिए आप एक्स बाय प्लस जेड बाय सी इक्वल टू क्या आपका लेमडा, लेमडा हो जाएगा आपका वन प्लस वाई बाय बी होगा, ठीक है। और ये भी होगा आपका एक्स बाय माइनस जेड बाय सी, यहाँ देखिए एक प्लस होगा देखिए क्या होगा आपका माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ उस चीज को समझ लें आप, यहाँ पे क्या हुआ इस चीज को, ये इधर आपका जो है आप ये देखेंगे यहाँ पे ये चीज आपका एज इट इज रहा एक्स ए प्लस जेड बाय सी, ठीक है। यहाँ पे एक लेमडा है, यहाँ पे सारा टर्म्स में देखें ये आपका सिर्फ यहाँ पे क्या दूसरा पॉइंट में क्या हो गया आपका सिर्फ माइनस हो गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या हो गया प्लस का सारा आपका क्या हो गया आपका माइनस हो गया आपका। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे तो एक्स बाय माइनस जेड बाय, यहाँ पे देखिए माइनस हुआ एक जगह प्लस अल्टरनेटिव में हुआ, ये आपका माइनस ये प्लस फिर यहाँ पे प्लस इधर माइनस होगा आपका। तो ये इसका इक्वेशन, ये वो क्या आपका इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ जनरेटिंग लाइंस, ये आपका जनरेटिंग लाइंस का आपका इक्वेशन है आपका, मतलब ये जनरेटिंग लाइंस होगा। अब जनरेटिंग लाइंस बाय द हाइपरबोलाइड द हाइपरबोलाइड हाइपरबोलाइड पैराबोलाइड, ये आपका क्या होगा मान लेते ये आपका इक्वेशन होता है इसका, ठीक है। हाइपरबोलाइड का इसका इक्वेशन होता है। अब इसका जो जनरेटिंग लाइन क्या होगा इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में लिखते हैं यहाँ पे,
तो ये क्या होगा आपका ए प्लस बी इंटू क्या होगा आपका ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका। इसको जब लोग तोड़ लेते हैं एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा टू जेड बाई क्या होगा सी होगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ से देखेंगे इस चीज़ को हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जेड बाई सी को ऐसा इधर कर दें और इसको हम लोग उधर कर देते हैं, तो कि ये क्या आ जाएगा आपका एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका जेड बाई सी, जी डिवाइडेड बाई क्या होगा जेड बाई सी इक्वल टू टू बाई क्या होगा आपका एक्स बाई ए प्लस क्या होगा आपका वाई बाई बी, ये आपका आ गया आपका। इसको जब आप इसको लिखेंगे इसको तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको आप इसको इधर कर लें, इसको ऊपर कर सकते हैं आप, इसको ऐसा भी कर सकते हैं आप, क्या होगा आपका एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू क्या होगा आपका जेड बाई सी डिवाइडेड बाई एक्स बाई ए प्लस क्या होगा वाई बाई बी हो जाएगा आपका, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। जब इसका वैल्यू आप जो है इसका वैल्यू उसको देखेंगे, इसका लेमडा का अगर इक्वल करेंगे वाई बाई इसका माइनस का प्लस होगा और इसमें दूसरा कॉन्स्टेंट लेंगे, यहाँ पे म्यू ले लेते हैं और अगला क्या हो जाएगा आपका एक्स बाई ए और ये आपका होगा माइनस वाई बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू जेड बाई सी म्यू, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ये आपका निकल गया इसका।